सुझाव दिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिन्होंने स्वयं हमारे साहब से कहा कि मैं अपना जो ये असेंबली इलेक्शन जो होने जा रहा है उसका मैंने जैसे पहले कहा कि डीजल हमने उस पवित्र धरती पे शूरवीरों की धरती पे वहाँ शिलान्यास किया इसका, लेकिन दूसरा जो हम जहाँ जलसा करने जा रहे हैं, रैली करने जा रहे हैं इस असेंबली चुनाव के लिए, उन्होंने कुछुआ डिस्ट्रिक्ट को चुना। 7 तारीख को हमारी कुछुआ डिस्ट्रिक्ट में रैली होगी और जबरदस्त 8 तारीख को आपके यहाँ बनी में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की जबरदस्त एक रैली होगी। मैं आप सभी से यही गुजारिश करने आए हैं हम, और यही हमारी पूरी उम्मीद है, जैसे हमारे साथी ने कहा साहब ने कहा शायद कि हम बनी के लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, इस दलदल में हैं पिछले 10 साल से जिसकी हम मिसाल नहीं दे सकते। हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हैं, और किस ढंग से, ये सिर्फ बनी की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही हालत बनी हुई है पिछले 10 साल। जो जो उन्होंने वायदे किए थे, उन्होंने तो वायदा किया था कि 1 साल के अंदर हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मुझे आप बताइए कि उन्होंने कितनी नौकरी दी है। 15-15 लाख रुपया जमा कर आपके खातों में जाएगा, कितने पैसे दिए, कहाँ आए। मेरा कहने का मकसद यही है, क्योंकि हमारा आज मुद्दा जो है इस जलसे को किस तरह से हम कामयाब करें। मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ पे एजेंसियाँ अपना अपना सर्वे कर चुकी हैं सरकारी तौर पे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर असेंबली के चुनाव हो जाए तो कौन सी पार्टी आएगी। तो मैंने जैसे पहले कहा कि उन्होंने कहा कि सर आज अगर जम्मू कश्मीर के अंदर, यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के वो चुनाव पिछले 10 साल से नहीं करवाने जा रहे थे, आज भी हमें कोई उम्मीद की नहीं है, मैं ये आपको साफ कहूँ। लेकिन हम बार बार जो जद्दोजहद कर रहे हैं कि साहब आप डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, पूरी दुनिया में आप कहते हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो एक मानी हुई डेमोक्रेसी है, वो रास्ता दिखाती है बाकी मुल्कों को, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए आप क्या कर रहे हैं ये आप हमें बताइए। लिहाजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अब तो उन्होंने डायरेक्शन दी है गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ये सितंबर महीने से पहले पहले जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव असेंबली के हो जाने चाहिए। उसी उम्मीद पे हम निकले हैं, मेरी लीडरशिप जनाब डॉक्टर फारूक साहब, जनाब उमर साहब, वही उम्मीद लेके हम निकले हैं। और हमारा कहिया है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो एजेंसी कह रही है वो लोगों का दिलों की धड़कन है, लोगों ने मन बनाया है कि हम अपना वोट जो है आपकी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। दोस्तों आप खुशकिस्मत है, सरकार बनने जा रही है इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस सरकार के रहबर आपके पास आ रहे हैं हम 8 तारीख को, ये देखनी चाहिए कि मेरी बनी के लोगों की हालत क्या है, किस दर्दन में फंसे हैं वो, उन बच्चों को जिन्होंने PhD की है, जिन्होंने MA की है, जो पढ़े लिखे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका दुख दर्द देखने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं मेरी माताओं बहने जिनको एम्पावरमेंट होना चाहिए था, जिनको ताकत मिलनी चाहिए थी, जिनकी मुसीबतों में फंसी हुई है उनकी वो मुसीबतें कैसे दूर करनी है। कीमतें आसमान छू रही है, जो 400 का था आज 1000 रुपए में मिल रहा है, ये दुख देखने के लिए आपके पास आ रहे हैं। मैं आपसे फिर एक बार यही प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा, खासकर मेरे तंजीमी लोग जो हैं, हम एक मुठ और एकजुट होते हैं, एक मुठ और एकजुट होते हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इस रैली को कामयाब करें, और खासकर जिम्मेवारी मेरे वर्करों पे आती है, हमारे साथियों पे आती है, मेरे ब्लॉक कलेक्टरों पे आती है, हमारे ऑफिस बेरर पे आती है, जहाँ के रहने वालों पे आती है। जैसे अमीन चंद जी ने कहा और मुझे खुशी हुई कि ये हमारे पुराने दिलीना साथी आज भी हमें एक मसाले राह बने हुए हैं यहाँ, आज भी